दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सलमान खान के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी देने वाली हूं, जो कि शायद ही आपको पता होगा। सलमान खान हीरो नहीं बल्कि फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन उनके शानदार व्यक्तित्व को देख उन्हें लोग बतौर हीरो साइन करना चाहते थे। 1988 में बतौर सहायक अभिनेता सलमान की पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी रिलीज हुई। फारूक शेख और रेखा जैसे सितारों के बीच सलमान लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। 1989 में बतौर हीरो सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। उस दौर में पायरेसी के कारण फिल्म इंडस्ट्री की हालत बेहद पतली थी। सलमान की इस फिल्म के प्रिंट्स का खर्चा बचाते हुए बहुत कम प्रिंट्स अप्रचार के साथ इसे कुछ जगह रिलीज किया गया। बाद में भारी कामयाबी के कारण फिल्म के प्रिंट्स की संख्या बढ़ाई गई। फिल्मों में आने के पहले सलमान का रोमांस संगीता बिजलानी से चल रहा था। उस वक्त सलमान की तुलना में संगीता बड़ी स्टार थी। एक विज्ञापन में दोनों साथ नजर आते थे। 2004 में पीपुल मैगजीन ने सलमान को बेस्ट लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में सातवां और भारत में पहला स्थान दिया। सलमान धर्मेंद्र के दीवाने हैं और आज भी धर्म पाजी सलमान के पसंदीदा हीरो है। सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी वे पसंद करते हैं। सलमान ने धर्मेंद्र के साथ प्यार किया तो डरना क्या की है। कहा जाता है धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। धर्मेंद्र का कहना है कि सलमान उन्हें अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाते हैं। वे भी सलमान की तरह ही हैं, दिल से एकदम साफ और मुंहफट। हेमा मालिनी को सलमान अपनी पसंदीदा हीरोइन मानते हैं। टिप्स फिल्म कंपनी ने सलमान खान नामक फिल्म का नाम रजिस्टर करवाया था, लेकिन यह फिल्म आज तक नहीं बनी। सलमान खान और शाहरुख खान में बेहद पटती थी। दोनों में हम तुम्हारे हैं सनम, करण अर्जुन और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में साथ की हैं। 2006 की दिवाली पर एक ही दिन सलमान खान की जानेमन और शाहरुख खान की डॉन रिलीज हुई थी। दोस्ती का ये आलम था कि सलमान खान अपनी फिल्म के प्रचार के दौरान लोगों से कहते थे कि वे डॉन भी देखें। कुछ वर्ष पूर्व कैटरीना कैफ के जन्मदिन की पार्टी में किसी बात को लेकर सलमान और शाहरुख में झगड़ा हो गया। तब से अब तक दोनों में बातचीत बंद है। सलमान दिल फेक किस्म के इंसान रहे हैं। संगीता बिजलानी से उनका लंबा रोमांस चला। बाद में सोमी अली उनके नज़दीक आई और ऐसा लगा कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। सोमी के बाद ऐश्वर्या राय सलमान के जीवन में आई और ऐश को सलमान बेहद चाहते थे। बताते हैं कि चलते चलते फिल्म में शाहरुख के साथ ऐश्वर्या शूटिंग कर रही थी। सेट पर सलमान पहुंच गए और उन्होंने खूब हरी कोटी शाहरुख और ऐश्वर्या को सुनाई। शाहरुख ने सलमान का साथ देते हुए ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर कर दिया और रानी मुखर्जी को ले लिया। सलमान का साथ छूटने के बाद ऐश्वर्या ने विवेक ओबेरॉय से नज़दीकियाँ बढ़ाई। विवेक ने सलमान और उनके भाइयों से पंगा मोल ले लिया। बाद में विवेक ओबेरॉय ने सलमान से माफ़ी भी मांगी, लेकिन सलमान ने उन्हें नौटंकी करार देते हुए आज तक माफ़ नहीं किया। सलमान के निकट के लोग बताते हैं कि सलमान यदि किसी पर गुस्सा होते हैं तो आसानी से माफ़ नहीं करते। ऐश्वर्या के अलग होने के बाद सलमान का नाम कैटरीना कैफ से जुड़ा। कैटरीना का करियर बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। सलमान को किसी अवार्ड पर भरोसा नहीं है, उनके लिए जनता का प्यार सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैंने प्यार क्यों किया 2005 के बाद सलमान की कई फिल्में, क्योंकि, शादी करके फंस गया यार, जाने मन, बाबुल, सलामे इश्क, सावरिया, गॉड, तुस्सी ग्रेट हो, युवराज फ्लॉप हुई। लगभग 4 वर्ष तक उनकी फिल्म पिटती रही और ये माने जाने लगा कि उनका करियर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन पार्टनर और वांटेड जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर उबार लिया। दबंग 2, एक था टाइगर, दबंग, वांटेड, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों ने सफलता की नई परिभाषा लिखी और इस समय सलमान खान को सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। चिल्लर पार्टी फिल्म को देख सलमान इतने प्रभावित हुए कि फौरन उस फिल्म के निर्माता बन गए। वर्षों पहले जब रणवीर कपूर फिल्मों में नहीं आए थे, तब सलमान और रणवीर एक नाइट क्लब में उलझ बैठे थे। दोनों में मारपीट भी हुई थी। अगले दिन अपने पिता सलीम खान के कहने पर सलमान ने ऋषि कपूर के घर जाकर माफ़ी मांगी थी। सलमान अपने पिता से बेहद डरते हैं।
सलीम साहब का कहना है कि अब तो सलमान की को शादी ही कर लेनी चाहिए। उनके छोटे भाई अब शादी कर बाप बन चुके हैं। सलमान अक्सर बॉडी बनाने की और फिटनेस की टिप्स अपने से जूनियर कलाकारों को देते रहते हैं। ऋतिक रोशन सहित कई अभिनेता इसका लाभ ले चुके हैं। अपने दोस्तों की फिल्मों में छोटी सी भूमिका के लिए सलमान तुरंत राजी हो जाते हैं। वे अपने रोल या कहानी के बारे में बात करने के बजाय पूछते हैं कि कब आना है। सलमान के पिता मुसलमान और माँ हिंदू है। सलीम साहब की दूसरी बीवी ईसाई है, इसलिए हर त्यौहार सलमान पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। वे अपने परिवार को मिनी इंडिया कहते हैं। सलमान परोपकार के कई कार्य करते हैं। अपनी संस्था बिंग ह्यूमन के जरिए उन्होंने कई जरूरतमंदों की सहायता की है। जो लोग बिंग ह्यूमन की नकली टी शर्ट पहनते रहते हैं उन्हें उन पर सलमान को गुस्सा आता है। वे देश के कई शहरों में बिंग ह्यूमन शॉप खोलेंगे। इसके जरिए जो भी कमाई होगी उसे वे भलाई के कार्यों में लगाएंगे। सलमान अक्सर महंगी गिफ्ट अपने निकट के लोगों को देते हैं। इससे इस आदत से परेशान होकर उनकी माँ ने कहा कि वे बिंग ह्यूमन की घड़ियाँ लोगों को दिया करें। इसके बाद सलमान अक्सर ऐसा ही करते हैं। अभिनय के अलावा सलमान लेखक भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी लिखी है। साथ वे पेंटिंग करना भी बहुत पसंद करते हैं। फिल्मों के अलावा सलमान को टीवी पर भी पसंद किया गया। उनका शो बिग बॉस और 10 का दम में अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई। विवादों से भी सलमान का खास नाता रहा है। 2002 में उनकी कार से ने रात में फुटपाथ पर सोए हुए 4 व्यक्तियों को कुचल दिया था। इनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में चिंकारा को मारने का मामला अदालत में अभी भी चल रहा है। सलमान इस मामले में जेल की हवा भी खा चुके हैं। कुछ वर्ष पहले सलमान ने बहुत पीना शुरू कर दिया था। एक दिन आईने में उन्हें अपना चेहरा बहुत बुरा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि जब उन्हें अपना चेहरा देखना अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग उन्हें स्क्रीन पर क्यों पसंद करेंगे। बाद में उन्होंने पीना बहुत कम कर दिया। सलमान को फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से भाई कहते हैं और उनसे डरते भी हैं। हालांकि सलमान को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें भाई कहे। कुछ वर्ष पूर्व फिल्म के प्रचार करने में सलमान की रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। वे मानते थे कि यदि फिल्म अच्छी है तो जरूर चलेगी। फिल्में पिटने लगी तो उन्होंने दबंग का जमकर प्रचार किया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उन्हें प्रचार का महत्व समझ में आया। सलमान को इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। सलमान कार और मोटर बाइक के शौकीन हैं। उनके पास BMW M5, BMW X6, ऑडी, रेंज रोवर 70, टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कई महंगी कारें हैं। कई बार वे साइकिल पर भी मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पिछले कई सालों से वे एक ब्रेसलेट पहन रहे हैं जिससे फिरोजा स्टोन लगा है। सलमान का मानना है कि यह न केवल उनके लिए लकी है बल्कि बुरी नज़र से भी उन्हें बचाता है। 5 feet 8 inches लंबे सलमान से कई हीरोइनें ऊंची हैं। इस बात को लेकर अक्सर वे अपना मजाक उड़ाते हैं। सलमान खान का कहना है कि वे एक्टिंग नहीं करते हैं, वे जैसे हैं वैसे ही पर्दे पर नजर आते हैं और दर्शक उन्हें इस रूप में खूब पसंद करते हैं। जब भी वे फिल्मों में अपनी टी शर्ट उतारते हैं दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। सलमान को जिम में जाना खास पसंद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनके पेशे की डिमांड है कि वे फिट रहें, इसलिए वे रोजाना जिम करते हैं। मुंबई के अलावा लंदन भी उन्हें बहुत पसंद है। 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में सलमान का जन्म हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।